Hello everybody, good morning. How are you all? I hope each one of you is fine and doing great in your studies. So जिन लोगों ने भी ECG CPO का फॉर्म फिल किया था तो एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं एंड सभी को पता है हमारा एग्ज़ाम 29 मई को है एंड मेरा जो एग्ज़ाम है दोपहर में 1 PM पे है, ठीक है। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम कितने बजे पड़ रहा है, ठीक है। शिफ्ट का तो मुझे कोई आइडिया नहीं कितनी शिफ्ट है, तो आप लोग टाइमिंग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब मतलब कितने बजे है, ठीक है। एंड प्रिपरेशन तो आप लोगों की बहुत अच्छी चल ही रही होगी, मॉक टेस्ट वगैरह एंड करंट अफेयर का रिवीजन एंड साथ ही साथ हमें कंप्यूटर भी पढ़ना है, तो सभी का रिवीजन बहुत अच्छे से चल रहा होगा, ठीक है। तो एक PDF है फ्री ऑलिव बोर्ड की। अभी तक ऑलिव बोर्ड में सभी को पता था कि बोल्ड PDF मतलब वो रिलीज़ करते थे मंथली का रहता था, लेकिन अब वीकली PDF भी आने लगी है, ठीक है। ये है मई की PDF है, 2nd मई से लेके 8th मई तक, ठीक है। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी मतलब जितना आपने रिवीजन कर लिया है एक रिवीजन के लिए ही, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको नए मिल जाते हैं, तो एक इस PDF से भी आप गो थ्रू हो लीजिएगा। होप सो आपको कुछ नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो PDF एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, करंट अफेयर का। ओके, सो मैंने आज ये मॉक टेस्ट दिया था ECG CPO का, प्रैक्टिस मॉक का, क्योंकि इसके 5-5 मॉक्स ही होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक हो गया, टेस्ट बुक है, मतलब कहीं पे भी आपको 5 मॉक टेस्ट ही मिलेंगे, तो इसमें के 3 दे दिए हैं मैंने। तो आज मैंने जो दिया था, सॉरी कल दिया था मैंने, ठीक है। तो ये है मॉक नंबर 2, ठीक है। एंड जिन लोगों के पास प्रैक्टिस मॉक हो तो आप लोग भी अटेम्प्ट कीजिएगा इस टेस्ट को और अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और लेवल वगैरह क्या है वो भी बताइएगा साथ में। तो इसमें जो मेरे स्कोर्स रहे 100.5 एंड परसेंटाइल अभी गिर गया है, जब मैंने दिया था तो ये 91 के आसपास था, ठीक है। तो अटेम्प करते रहते हैं लोग, ठीक है, तो उस वजह मतलब तरीके से तो आपकी रैंक एंड परसेंटाइल वगैरह उस हिसाब से मैनेज होता रहता है, ठीक है। तो रीजनिंग सेक्शन मैंने अटेम्प किए थे 36 क्वेश्चंस, जिसमें से एक रॉन्ग हो गया है एंड जो स्कोर बना 34.75। इंग्लिश सेक्शन मैंने किए थे 36 एंड जो स्कोर बना है इसमें ज़्यादा गलत हो गए हैं क्वेश्चन 21, ठीक है। एंड कंप्यूटर सेक्शन में मैंने किए थे 18 क्वेश्चंस, जिसमें से 9.25 रहा है स्कोर। जनरल अवेयरनेस में मैंने किए थे 27 क्वेश्चंस, जिसमें से स्कोर रहा है 19.5। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ही ख़राब हो गया है, जिसमें मैंने क्वेश्चंस किए थे 21 एंड स्कोर जो रहा है 16 रहा है, यानी कि 4 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए हैं। एंड क्वांट में और भी अच्छा स्कोर किया जा सकता था, बिकॉज मैंने इसमें DI दो DI मैंने नहीं की थी, ठीक है, एक ही DI अटेम्प्ट किए, बाकी मैंने जो किए थे क्वेश्चंस अरिथमेटिक के किए थे एंड उसी में से रॉन्ग हो गया है। एंड बाकी जो हमारे थे सिंप्लीफिकेशन वगैरह वो किए थे मैंने, ठीक है, क्योंकि मैं अरिथमेटिक पे अभी वर्क कर रही हूँ, ठीक है, तो DI तो हो ही जाती है, इस वजह से मैंने DI नहीं किया था, तो वो स्किप हो गई थी। अगर मैं DI ही करती तो 3 DI थी, आई थिंक एक एसलेट भी थी, ठीक है। तो आप लोग दीजिएगा तो अच्छे से दीजिएगा, आप लोगों का स्कोर इससे भी अच्छा होगा, क्योंकि क्वांट तो आप लोग अपने हिसाब से ही करेंगे, ठीक है। DI वगैरह है, अच्छे क्वेश्चन है इसमें, तो आप कर सकते हो। एंड मैंने कहा ना कि क्वांट में और भी अच्छा किया जा सकता था, ठीक है, तो मैं अरिथमेटिक में ही लगी थी, मतलब मुझसे नहीं भी क्वेश्चन हो रहे थे, बस मुझे करना था कि हाँ क्वेश्चन होना चाहिए, तो बस इसी वजह से। बाकी आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा तो खुद ही बताइएगा कैसा था लेवल एंड कैसे रहे आप लोगों के स्कोर्स, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। बाकी PDF का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से PDF को डाउनलोड करके एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।